हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय स्टडी चैनल्स विंग्स एकेडमी। तो जैसा कि पिछली बार हमने वीडियो दिया था, बनाया था कि क्लास फिफ्थ के मैथ का चैप्टर नंबर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो अब इस बार इसमें होमवर्क उस समय छूट गया था कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो इसमें आपको होमवर्क देना है प्लस आज आपको सब्ट्रैक्शन के बारे में समझाना या बताना है। तो अगर हम बात करें उस समय दे रहा था, पहला क्वेश्चन था उसका 5 3 2 4 6 7 6 2 4 7 8 4, इसको आपको ऐड करना था। जैसे सिंपल ऐड करना था, यहाँ पे था वंस, टेंस, हंड्रेड, हंड्रेड थाउजेंड, 10,000 एंड लैक्स, यहाँ पे इस तरीके से। तो आपको इसको होमवर्क में करके दिखाना है, बाकी मैं इसकी आपको कॉपी पूरी भेज दूंगा, पूरी एक्सरसाइज कॉपी भेज दूंगा। अब जो ये पहला क्वेश्चन का है, ये पहला क्वेश्चन का है, ऐड द फॉलोइंग, ऐड द फॉलोइंग, ये आपका पहला क्वेश्चन का है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, हम सभी सारे एक्सरसाइज में जिस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन रहेगा उसको हम नोट डाउन करके बोर्ड पे आपको दिखाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आपको इसकी पूरी सीट मिल जाएगी, आपको उसके पूरा सीट करके सॉल्व करके वो फिर से उसका सॉल्यूशन भेजता है ग्रुप में। तो आप, मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ, इसमें 3 क्वेश्चन है, ऑलरेडी इसमें 3 क्वेश्चन है। मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ, इसमें क्या है कि पहला दूसरे का पहला क्वेश्चन है अरेंज Arrange in column and add। इसमें क्या करना है कि आपको अरेंज करना है, कोई एक वैल्यू दी जाए, जैसे ऐसे 6 5 8 7 5 3 and 5 8 4 2 7 and 9 2 7 4। आपको इसको जो है अरेंज करना है कॉलम में। कॉलम का मतलब इस तरीके से रखते हैं, जो सबसे पहले बड़ी जो वैल्यू है उसको लिखेंगे, या एड इसमें तो हम आगे पीछे किसी को भी लिख सकते, ऊपर या नीचे करके। फिर मैं इसको लिखता हूँ स्टार्टिंग से 6 5 8 7 5 3, फिर हमेशा राइट से लिखेंगे नेक्स्ट वैल्यू 7 2 4 8 5, फिर अगेन 4 7 2 9, इसको जो सिंपली ऐड करना है आपको इस तरीके से। और यहाँ पे लिखना है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड लैक्स, तो यहाँ इस तरीके से आपको कॉलम में अरेंज करके करना। अगर आपको इसकी इसको नहीं समझ आता है तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन का 3 2 6 5 1, तो इस तरीके से हम लिखा, फिर यहाँ पे लिखा 3 2 6 1, अगेन लिखा 2 6, और यहाँ पे प्लस करना आपको, सॉरी यहाँ पे लिखा हमने 3 2 1, आपको इसको जैसे सिंपली प्लस करना है। तो बस जैसे उसमें फॉलो करते थे उस मेथड में, वैसे भी इसको ही फॉलो करना है। जैसे अगर हम बात करें 1 3 3, 1 में 3 को ऐड करेंगे क्या आएगा 4, 4 को 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ हो जाएगा हमारा जैसे सिंपली 7। इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, इसको 9 ऐड कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 6 प्लस 6 एंड 1, 12 प्लस 1 13, 13 को क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 3, अब हमारा दो डिजिट पे आगे वैल्यू 3 को हम यहाँ पे नोट करके 1 कैरी करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन लिख सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, एक कैरी पहले से बनना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा 4। इसके बाद नेक्स्ट क्या है 3, इसके नीचे कोई डिजिट नहीं, इसको हम 0 मान सकते हैं। अगर हम आगे के नहीं समझ आता मैं 0 भी पुट कर सकते हैं, बट हम 0 पुट नहीं करते हैं, बट एक 0 मानते हैं वहाँ पर। तो 3 के नीचे कोई डिजिट नहीं है, कैरी भी नहीं बचा, ऑलरेडी यहाँ कितना हो जाएगा 3। इसको सिंपली इस तरीके से ऐड करना है। तो पहले हम इसको ऐसे कॉलम में ऐड कर लेंगे, कॉलम ऐड करने, कॉलम अरेंज करने के बाद फिर वहां पे सिंपली ऐड करना है।
इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसको नोट डाउन कीजिएगा आप जो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें देखिए कैसे करना है आपको। ऐसे बोले कोई डिजिट मान लीजिए मेरे पास ऐसा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको लिखूं यहां पे कुछ स्टार मार्क कर देता हूं, यहां पे लिख दूं 3 और यहां पे लिख दूं 4 और यहां पे लिख दूं कुछ स्टार मार्क करता हूं और इसको आपको ऐसे दे दिया वैल्यू, यहां पे लिख दिया आपको 7 और यहां पे लिख दिया आपको 5। आप हमसे ये पूछेगा कि थर्ड क्वेश्चन आपका ये है कि फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, या फिर इसका जो क्वेश्चन है राइट, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्वेश्चन नंबर राइट करेक्ट डिजिट एंड एड। आप इस तरीके से क्वेश्चन करना। अब इसमें क्या है, एक एग्जांपल तौर पर आप यहां पे जो 7 आया तो कैसे आया होगा, हम कैसे पहचाने यहां पे 7 कैसे आया, इसमें 3 में क्या ऐसा इस स्टार की जगह पे ऐड किया होगा जो यहाँ पे 7 आ गया। तो हमें ज्यादा नहीं समझना, बस आप ऐसे समझो ये जो 7 लिखा है ना, इसको आप 7 को माइनस कर दो 3 से तो कितना जाएगा यहाँ पे 4। 7 को हमने जब माइनस किया 3 से तो हमें तो कितने वैल्यू मिली यहाँ पे 4। अब यहाँ जो हमारा 4 आ गया, यहाँ पर एक स्टार की जगह पर हम कोई वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो क्या हम इसको सम करेंगे 4 प्लस 3 क्या 7 नहीं आएगा, आएगा तो 7। तो इस तरीके से अगर हमें आप स्टार मार्क देगा आपको क्वेश्चन में और आपको उसको पुट करना है, यहाँ पे इसे यहाँ पे स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 4। इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे क्या ऐसा ऐड हुआ होगा जो यहाँ पे 5 आ गया। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे ये नीचे डिजिट है इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि पहले ये डिजिट है 5 माइनस 4, अब यहाँ पे कितना जाएगा हमारा 1। अगर हम इस स्टार जगह पर अगर यहाँ पर मन रखते हैं तो 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 5 होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे इस स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1। तो हम इस तरीके से आपको क्वेश्चन कुछ पूछा है इसमें कुछ दिए गए हैं, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा दूँ थोड़ी बड़ी डिजिट में आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दूँ। जैसे आप लिखा है 6 4 और यहाँ पे स्टार कर दे रहे हैं, इसके बाद क्या है 7 4 0, फिर नीचे स्टार है, इसके बाद क्या है 8 2 2 8 2 2 8 2 2, इसके बाद फिर यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे जो है 2 है। अगर हम बात करें इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ डिजिट है यहाँ पे लिखा गया है 8 और यहाँ पे फिर स्टार कर दिया गया है, फिर इसके बाद आप यहाँ पे 0 किया गया है, फिर यहाँ पे 3 0 3 हो गया, फिर इसके बाद 7 यहाँ पे फिर स्टार किया गया। अब जितने भी हमारे स्टार की वैल्यूज उसको कैसे पता है, कैसे पता चलेगा, अगर हम यहाँ इसकी वैल्यू की बात करें हम यहाँ पे क्या ऐसा ऐड हुआ होगा जहाँ पे 8 आ गया होगा, तो हम क्या करेंगे फिर वही वैल्यू पुराना 8 माइनस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर 8 में से 0 का माइनस करेंगे तो ऑब्वियस बात वहाँ पे 8 आएगा, एक स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये स्टार की वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे इसको ऐसे जो है अपनी कॉपी में इस तरीके से लिख के दिखाएंगे कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 8 है। अगर 8 प्लस 0 करेंगे तो क्या हमारे पास 8 आएगा, आएगा ही आएगा अवश्य बात है। अब यहाँ पे जो है 4 प्लस 8, फिर यहाँ पे स्टार क्या है यहाँ वैल्यू कितनी है पता नहीं, जब हम 4 प्लस 8 को ऐड करेंगे तो कितना हमारे पास आएगा 12। तो 12 यहाँ पे 2 कैरी 1 कैरी जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे 8 प्लस 4 का हमने ऐड किया 12 आया, 12 की जगह पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, ऑनली 2 लिखेंगे क्योंकि हम अगर इसको इक्वल दे रहे हैं यहाँ पे 2 लिख सकते हैं 2। अब हमारे पास कैरी बचा 1 था, 7 प्लस 2 कितना होता है 9, कैरी 1 ऐड करता हूँ यहाँ पे जाकर 10 हुआ, 10 क्यों कैरी के 0, अब हमारे पास जो 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 पर लिखा 1 हमारे पास क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या ऐसा ऐड हो जो 3 हुआ होगा, अगर हम बात करें इसकी वैल्यू को, अगर हमारे पास ये चीजें हैं और यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है और कैरी पहले से 1 है, तो यहाँ पे क्या ऐसा ऐड हुआ होगा जो यहाँ पे 3 आया है इसी स्टार की जगह पे। तो अगर हम यहाँ की बात करें ऐसे तो यहाँ से 3 में से
थ्री में से इसको माइनस करेंगे, जब थ्री में से टू को माइनस करें तो यहाँ कितने वैल्यू आ जाएगी, वन। बट हमारे पास थ्री में से जब टू को माइनस करते हैं यहाँ पे वन, बट हमारे पास कैरी पहले से ही वन है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जीरो टू और यहाँ पे आ जाएगा थ्री, जैसे कि आप ऐसे समझिए इस चीज को। यहाँ पे जो है हमें थ्री लाना है, पहले से हमारा कैरी वन है, तो अगर हमारा कैरी वन टू में अगर वन को ऐड कर देते हो जाएगा थ्री, बट यहाँ पर हम जीरो ऐड करते हैं तो जीरो प्लस टू, अगर हम बात करें जीरो प्लस टू कितना हो जाएगा टू, बट हमारे पास कैरी पहले से वन है तो टू प्लस वन कितना हो जाएगा हमारे पास थ्री। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है स्टार की वैल्यू वो है जीरो। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मुश्किल है, बट बहुत है आसान, एक बार समझ लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या ऐसा ऐड किया जो सेवन आया होगा, तो जब सेवन आया होगा तो क्या ऐसा ऐड हो गया फिर, तो फोर। अब यहाँ पे जो हम सेवन की बात करते हैं, सेवन में से फोर जब माइनस करें तो यहाँ पे जाएगा थ्री, जब यहाँ पे थ्री आएगा तो अब इस बात की जब यहाँ पे थ्री आएगा तो यहाँ पे थ्री ऐड करेंगे तो फोर प्लस थ्री कितना हो जाएगा सेवन। अब यहाँ पे जो पूछा रहा है कि सिक्स प्लस टू कितना होगा, यहाँ पे स्टार मार्क्स है, सिक्स प्लस टू कितना हो जाएगा थ्री, एट हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर थ्री में जितने भी क्वेश्चन है आपको करना है, इसका मैं क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ। और आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इसमें दो ही क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपको, इसको होमवर्क पे करके दिखा रहा है, जैसे कि इसको मैं रेस्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। थैंक यू। अगर आपको कोई चीजें समझ नहीं आती, वीडियो पॉज करके आप फॉलो करके आप उसी को बहुत ईजिली समझ सकते हैं और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो जिससे इसका पहला जो क्वेश्चन है आपको जो करना है, यहाँ पर टू स्टार, इसके बाद है डबल टू एट, फिर इसके बाद जो है स्टार, और इसके नीचे जो है एट स्टार फोर थ्री थ्री, इसके बाद फिर से है स्टार, और यहाँ पे आपको ऐड किया गया है और जो वैल्यू आई यहाँ पे है कितना थ्री है, फाइव थ्री फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव सिक्स सेवन। ये आपको एक क्वेश्चन है जिसमें आपको स्टार की वैल्यू स्कोर निकालना है, बाकी क्वेश्चन और है जो आपको भेजा जाएगा आपको ग्रुप में करना है। तो ये तो पार्ट हो गया उसका। इसके बाद आता है अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आती है उसको हम क्या करेंगे, सबट्रैक्शन करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।